नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लखन सैनी। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल सिविल गार्डनिंग। दोस्तों, आज मैं आपको अमरूदों के विषय में लेकर आऊं कि अमरूद किस प्रकार ग्रोथ करते हैं, इनकी देखरेख कैसे करनी चाहिए, इसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र डालें और अमरूदों को आप लगाने से पहले कितना स्पेस रखना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये अमरूद है। आप साइज़ देख लिए, अभी नॉर्मल साइज है इसका। ये थोड़ा और बड़ा होगा और पकने में भी थोड़े एक दो दिन टाइम लेगा, मतलब एक वीक से दो वीक। आप देख सकते हैं, और अभी इसमें आप देख लो काफ़ी फल भी आ रहा है। आपको दिखाता हूँ, आप अंदर आइए और भी दिखाता हूँ। आप सबसे पहले तो ये देखिए इसके अंदर गैप कितना साइज़ दिया है। ये गैप इसलिए दिया है क्योंकि अमरूद बड़ा होने पर स्पेस की बड़ी आवश्यकता होती है, इसलिए इसके अंदर इतना स्पेस दिया है। और अमरूद भी बहुत अच्छा आता है। इसमें फर्टिलाइज़र आप नॉर्मली आप डाल सकते हैं, या छोटे प्लांट आपको नर्सरी से भी उपलब्ध हो जाते हैं। आप जाके नर्सरी से छोटे प्लांट खरीद सकते हैं और ऐसे बगीचा बना सकते हैं। इसके अंदर अधिकतर किसान लोग इसके अंदर गोबर की खाद, गली हुई खाद, जो 3 से 4 साल की गली हुई खाद होती है, उसको ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि उसका उपयोग बहुत अच्छा होता है। जितनी गली हुई खाद होगी उतना अच्छी है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप कोकोपीट या ऑर्गेनिक खाद भी डाल सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि आप गोबर की खाद डालें तो बहुत अच्छा होगा। आप देख सकते हैं ये अभी ये प्लांट देखिए, इसका ये तना देखो कितना मजबूत तना हो गया है। ये कम से कम 2 साल का पेड़ है, और आप देख लीजिए 2 साल में कितना बड़ा पेड़ हो गया है। और मैं आपको दिखाता हूँ देखो अंदर कितना घना पेड़ है, और काफ़ी स्पेस भी दिया है इन्होंने, बहुत अच्छा स्पेस कवर किया है। और ये अमरूद अभी स्टार्टिंग हुई है इसमें, यार इसमें सेकेंड बार फल आ रहा है। इसमें पहले फल आया था जो काफ़ी टन में निकला था, कम से कम आप मान के चलेंगे, हमने जिनका ये फार्म हाउस है उनसे बात भी की थी, उन्होंने बोला है कि हमको इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, उनका लॉस भी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं, देखो किसान इस खाद का उपयोग करते हैं, ये गाय की गोबर की खाद है। और आप देख सकते हैं देखो ये बिल्कुल गली हुई खाद है, ये देखो 4 से 5 साल गली हुई खाद है। इसका उपयोग करने पर बहुत अच्छी फायदे करती है। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप जैसे घर ये फार्म हाउस तैयार करते हैं तो उसके बीच में ला के आप रख दें तो ये यहाँ पर भी गलना स्टार्ट हो जाएगी और आपका और एरिया ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास स्पेस नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें देखो 10 फिट का स्पेस दिया है, इधर 10x12 का है। आप देख सकते हैं हर प्लांट में ये कवरेज किया गया है। देखो ये इतना स्पेस है, इसका स्पेस का इसलिए फ़ायदा है कि आप आराम से यहाँ पे क्लीन करके, और जैसे ये इसकी पत्ते हैं इनको आप खड्डे करके, जैसे आप यहाँ पे इस फावड़े से खड्डे करके और इनको दबा लीजिए, और इसका भी आप फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, खाद बाद बना सकते हैं। तो फ्लावरिंग पे मैं आपको बात करता हूँ, देखो इसमें फ्लावरिंग जैसे फूल देखो कितना अच्छा फूल आ रहा है, ये देखो ये फ्लावरिंग आ रही है, देखो कितनी अच्छी फ्लावरिंग आ रही है, देखो तो यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है, बहुत अच्छा फ्लावरिंग दे रहा है ये। और फल के बारे में आपको बताता हूँ, देखो ये देखो फल देखो आप क्या साइज फल है, देखो ये फल देखो, ये फल देखो कितना स्टार्टिंग फल, ये भी देखो देखिए ये बहुत अच्छा प्लांट है, और फल भी बहुत अच्छा रहता है, आप देख सकते हैं। इसलिए इसमें जिस किसान ने ये लगाया है उनको ज़्यादा मतलब इसको लगाने में ज़्यादा वो भी नहीं हुआ, ज़्यादा भी नहीं आया, इन्होंने कम से कम इस बगीचे के अंदर बात की थी, उन्होंने बोला था कि हमने 250 प्लांट लगाए इसके अंदर, और ज़्यादा एक टीवी के अंदर उन्होंने 250 प्लांट लगाए, और स्पेस का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आ रही है, ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। आप देख सकते हैं 2 साल का प्लांट है। आप पूरा कवरेज करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको खादों तैयार करनी है तो इस तरह से ज़रूर करें, और जो नीचे ये पत्ते हैं उनका उपयोग आप ज़रूर करें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप शेयर ज़रूर करें, और अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।